हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ संजय और आज हम बात करने वाले हैं बाइक के बारे में। जो बाइक का हम लोग तेल खोलते हैं, ऑन ऑफ करते हैं और रिजर्व लगाते हैं, जो कि BS4 से पहले की गाड़ियाँ में आती थी और BS4 में आती है, और अभी जो BS6 चल रही है उसमें नहीं आती है। उसमें ये बंद हो चुकी है, तेल वाला भी सिस्टम बंद हो चुका है और ये चौक वाला सिस्टम भी बंद हो चुका है। और ये जो आप गाड़ी देख रही हैं BS4 है, 2017 में हमने परचेज़ की थी। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ये जो तेल का नोब है ये काम कैसे करता है। इसको जो हम लोग ऊपर करते हैं तो इसमें सिस्टम है, ऊपर करेंगे आप तो ऑन हो जाएगा और अगर नीचे करेंगे तो ये रिजर्व में आ जाएगा। तो वही हम जानेंगे कि ये रिजर्व और ऑन ऑफ जो होता है वो कैसे होता है, कि एक ही बटन से दोनों काम हो जाता है। तेल कितना स्टोर रहता है और कहाँ पर स्टोर रहता है, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए थोड़ा नज़दीक से बात करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है फ्यूल नॉब। यहीं से तेल आता है, जाता है। और ये BS4 की हीरो स्प्लेंडर प्लस की गाड़ी है, BS4 है, तो इसमें फ्यूल नॉब क्या चेंज कर दिया गया है। पहले जो फ्यूल नॉब आता था वो नीचे ऑन होता था और ये बीच में ऑफ हो गया, और ऊपर में ये जो ऊपर है इसमें रिजर्व लगता था। लेकिन इसमें क्या है, जो ऊपर दिख रहा है आपको ये है ऑन, और बीच में अगर हम करेंगे तो ये हो गया ऑफ, और अगर नीचे कर देंगे तो ये हो गया रिजर्व। ये रिजर्व चला गया है गाड़ी। ये जो ऑफ है, जो बटन है ये ऑफ है, तो इसमें क्या है, अभी ये तेल को नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर हम इसे रिजर्व लगाएंगे तो भी ये तेल को नीचे आने देगा, और अगर हम इसे मेन में करेंगे तो भी ये तेल को नीचे आने देगा, लेकिन अभी ये ऑफ है। तो देखिए कैसे लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये अंदर पाइप ये टंकी में लगी हुई है, और टंकी में दो पाइप है, इस तरह की है, टंकी में दो पाइप है, मीन्स दो हॉल है। पाइप एक ही है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये एक ही है, लेकिन हॉल दो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये दो जगह पाइप हॉल दिया हुआ है, ये पाइप में एक एक जगह हॉल है, एक यहाँ हॉल है। तो जब होता क्या है कि अगर इससे जब हम ये देखिए, ये इस तरह इसे हम इसे ऑन करते हैं, ये जो है यहाँ पे एक जो हॉल दिया हुआ ये हॉल खुल जाता है, ये वाला खुलता है, तो उससे ऊपर जितना भी तेल है वो आपको आएगा यहाँ से, और यहाँ से जो नीचे वाला तेल है ये नहीं आएगा। ये जो रिजर्व में तेल है, इतना जो बचा हुआ ये रिजर्व में तेल है, ये नहीं आएगा। यहाँ तक है, ये जो यहाँ से जो ऊपर वाला तेल है वही आएगा, इसके नीचे कैसे आएगा। यहाँ तक तेल है तो नीचे वाला तो खुला नहीं है, खुला ही है, तो यहीं से तेल आएगा। ये तो बंद है अभी, तो ये जो मेन है वहाँ से तेल आता है, ये जो मेन है वहाँ से तेल आएगा, और जब जब ये ख़त्म हो जाएगा तब आपका गाड़ी रिजर्व लग जाता है, और तभी आपका गाड़ी बंद हो जाता है, क्योंकि तेल जो है आपको इंजन तक, ये जो इंजन है यहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो वही होती, तो हमें समझ में आता है कि तेल लग रहा है इंजन तक पहुँच नहीं पा रहा, मीन्स तेल ख़त्म हो चुका है। जो मेन में तेल है यहाँ, ये जो ऊपर में तेल रहता है ये ख़त्म हो चुका, मतलब अब रिजर्व लगने वाली है। तो क्या करेंगे हम, इसे ये ऑफ़ किए और फिर ये रिजर्व लगा दें। जब रिजर्व लगाएं इस तरह से पाइप है, तो ये वाला होल खुल जाता है, ये वाला होल खुलता है, ये बंद हो जाता है, बीच में आया बंद हो गया, ये वाला होल खुल गया। जो यहाँ का तेल बचा हुआ है ये वाला तेल इस होल के थ्रू आपके इंजन में जाएगा, और जब ये भी ख़त्म हो जाएगा तब आपका गाड़ी में तेल ख़त्म है, मीन्स आपका तेल ख़त्म हो गया, तब तो आपको तेल लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह काम करता है। ये जो ये रॉड है यहाँ पे, ये सॉरी पाइप है यहाँ पे, ये पाइप यहाँ तेल के ऊपर में इस तरह है, उसी तरह काम करता है। ये जो रिजर्व है इतना रखता है, यहाँ पे दो दो होल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और जब मेन लगाते हैं तब ये खुलता है, ऑफ़ करते हैं तो दोनों बंद रहता है, और जब रिजर्व लगाएंगे तब ये खुलेगा, ये फिर बंद रहेगा। हालांकि ये खुला रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व लग चुका है आपका तेल, तो भैया रिजर्व जो है वहीं से आएगा, ये यहाँ तो तेल है नहीं उतना, बस इसी तरह काम करता है। अब हम जानेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा गाड़ी को रिजर्व में रखते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो होगा क्या कि जब तेल इनका ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेन भी ख़त्म हो जाएगा, रिजर्व भी ख़त्म हो जाएगा, तब इनको पता चलेगा कि हमारा तेल ख़त्म हो चुका है। और वही मेन में रखने से क्या होता है कि आपका जब रिजर्व लगेगा, मतलब तेल मेन वाला ख़त्म हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा गाड़ी में रिजर्व लगा है और हमको तेल बनाने भराने का ज़रूरत है। और अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रिजर्व की कैपेसिटी होती है, इसमें 1 लीटर का कैपेसिटी है, तो उसी तरह है, अंदाज़ा एक मिल जाता है आदमी को कि 1 लीटर मेरा तेल बचा हुआ, अब हम कहीं भी टंकी में जाएं या कहीं बाहर जाएं तो उससे पहले हमको तेल लेने का दरकार है या फिर ज़रूरत है।
वही होता है, ये रिजर्व में रखने से कोई दिक्कत नहीं है कि आपका गाड़ी रिजर्व में चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से भी तेल रहा है, यहाँ से भी तेल ले रहा है। यहाँ से तेल लेने से होगा क्या कि ये आपका जो पूरा तेल है वो पूरा तेल को यहाँ से ये लेते जा रहा लेते जा रहा, तो आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा कि मेरा गाड़ी में कब तेल ख़त्म होने वाला है। हालांकि मीटर दिया हुआ है लेकिन उससे आदमी उतना पकड़ नहीं पाता है, नॉर्मल गाड़ी चलाता है ये सब, वैसा दिक्कत होता है। इसलिए होता ये होता है कि जब भी आप तेल लें या फिर आपके गाड़ी में जब तेल है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा मैन में रखें, और ताकि जब आपके गाड़ी में तेल ख़त्म हो धीरे धीरे, तो आपको पता चले कि हाँ मेरा गाड़ी में तेल ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो चुका है या फिर रिजर्व लग चुका है, ताकि आप सतर्क रहें, कहीं भी आपको धोखा ना हो कि कहीं जा रहे थे आप और वहाँ आपका तेल ख़त्म हो गया रास्ते में, अचानक कहीं पेट्रोल पंप नहीं है या फिर पेट्रोल का कहीं सुविधा नहीं है। इसलिए गाड़ी को सही तरीके से चलाना चाहिए। ये बंद है, ऊपर ऑन है, नीचे रिजर्व है, ये है, एक हॉल यहाँ है, एक हॉल यहाँ है। बस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी, जिस तरह मैंने समझाया है। कोई मेरे पास उस तरह क्या बोलते हैं, उस तरह एक पिक्चर नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन मैंने जिस तरह समझाया है आपको, हो सके आपको समझ आया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।